हेलो 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 माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सब अच्छे हैं ना घर पे? परफेक्ट। या सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ है ना बहुत ही प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल बनाना सिखाऊंगी, जो कि आज मैंने जिगजैग वाले हेयर करे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन पे मैं बहुत ही प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल बनाऊं। एंड गाइज, मैंने इनकी है ना ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि आप है ना घर पे बिना हीट के आप अपने बाल जिगजैग कैसे कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ प्रोसेस, जल्दी जल्दी बता देती हूँ। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है अच्छे से तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे, या फिर मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी तो आप चेकआउट कर सकते हो। सो आपको पहले क्या करना है, आपको अपने हेयर वॉश करने हैं। वॉश करने के बाद आपको अच्छे से कॉम करनी है। कॉम करने के बाद आपको ना छोटी छोटी बहुत सारी प्लेट्स वाली आपको चोटी बनानी है। एंड आप चाहे तो उन्हें 5 से 6 घंटे भी रख सकते हो, नहीं तो आप पूरी रात उसको ऐसे बना के छोड़ दो। एंड मॉर्निंग में आप इनको ओपन करो तो आपके हेयर कुछ ऐसे ही आपको मिलेंगे विदाउट हीट, तो बहुत ही प्यारे हो जाते हैं बाल। एंड सोचा क्यों ना इन पे बहुत ही प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल बनाना सिखाऊं आपको, जो कि मैं ना ज्यादातर डेली वेयर में जरूर बनाती हूँ मैं अपने बहुत ही प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल इन वाले बालों में। एंड कुछ आपको बन बनाना सिखाऊंगी, एंड मतलब कुछ मैं आपको बहुत ही प्यारे प्यारे से बहुत ही सिंपल से हेयर स्टाइल बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप कहीं भी बना के जा सकते हो। एंड गाइज, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइज, प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अच्छे अच्छे से कमेंट करो, मतलब प्यार दिखाओ। सो गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्टेड। ओके, जो मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है एंड बड़ा ही क्यूट लगता है, तो आप है ना इसको वेस्टर्न आउटफिट के ऊपर आप इस हेयर स्टाइल को बना सकते हो। एंड डेली वे में अगर आपको पोनी नहीं बनानी तो आप ऐसा भी हेयर स्टाइल बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको मिडल पार्ट करना है अपने हेयर का, अच्छे से आपको करना है करने के बाद, क्योंकि वैसे ही हमारे हेयर बहुत ज्यादा पफी पफी से हो रहे हैं। तो देन आपको यहाँ पर अपने कुछ आपको यहाँ पर बाल लेने हैं, आप चाहे तो आप ज्यादा भी ले सकते हो, यहाँ पर मैं बहुत ही हल्के ले रही हूँ। एंड ऐसे आपको रोल करना है, एंड यहां पर आपको पिन से सेट करना है। एंड मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्ली है तो बहुत टाइम लगता है बनाने में। अगर जिनके स्ट्रेट होते हैं वो बहुत इजीली फटाफट बना देते हैं, बट जिनके कर्ली होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर भी आपको पिन से सेट करना है। हेयर स्टाइल बनाने के बाद अगर आपके पास कोई भी एक्सेसरीज है तो आप पीछे लगा सकते हो। मेरे पास यहाँ पर ये बॉब वाली एक्सेसरीज है जो कि मैंने अमेजोन से ली थी, एंड मेरे पास यहाँ पर 2 से 3 मेरे पास सेम एक्सेसरीज है, बट इसमें मल्टी कलर में है, ये है थोड़े से लाइट पिंक कलर में, एंड बड़े ही सुंदर लगता है। सो अगर आपने कोई भी वेस्टर्न आउटफिट पहना हुआ है या फिर जीन्स टॉप पहने हुए या फिर कुछ भी पहना हुआ है, तो आप इसके ऊपर ऐसी कुछ हेयर एक्सेसरीज आप लगा। नेक्स्ट हेयर स्टाइल में मैं आपको यहाँ पर पोनी बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप ओपन पोनी बना सकते हो, वो भी थोड़े डिफरेंट तरीके से। सो आपको क्या करना है, आपको पहले यहाँ पर थोड़े थोड़े बाल लेने हैं और यहाँ पर आपको प्लेट्स बनानी है। मैंने 2 पोनी बना ली, एंड देन आपको क्या करना है, आपको हाफ हेयर लेने हैं अपने, एंड आप ये हेयर स्टाइल जितने भी हेयर स्टाइल मैंने आपको बताई ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है फॉर बिगनर्स। एंड गाइज, ये वाले हेयर स्टाइल आप किसी भी अपने हेयर्स पे बना सकते हो, किसी की कर्ली हो या फिर स्ट्रेट हो, मतलब किसी भी डिफरेंट हेयर्स पे आप ये वाले हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो आपको यहाँ पर कुछ इतने बाल लेने हैं। यहाँ पर मैंने हाफ पोनी बना ली, देन आपको इनको जस्ट ऐसे करके आपको एक रबर बैंड से इनको बंद कर देना है, दोनों को टक कर लेना है, मतलब जस्ट लाइक दैट। देन ऐसे करना है आपको, क्रॉस ऐसे करना है। क्रॉस करने के बाद आपको अपनी इस वाली पोनी पे जो आपने यहाँ पर पोनी बनाई है
इसको ऐसे आपको अपने हेयर निकालना है और नीचे से आपको टाइट कर देना है, पोनी के नीचे से आपको टाइट करना है जस्ट लाइक दैट। एंड आपका हेयर स्टाइल कंप्लीट। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जिग जैग की तरह आपको ऐसे क्रॉस आपको हेयर स्टाइल मिल गया। एंड आप ऐसा हेयर स्टाइल आप डेली वेयर में बना के जा सकते हो कहीं भी। बहुत ही सिंपल है, ये फॉर बिगनर्स के लिए है। नेक्स्ट हेयर स्टाइल में मैं यहाँ पर आपको बन बनाना सिखाती हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एंड ये थोड़ा सा मैसी बन है, जो कि हम मतलब किसी भी ओकेजन में हम इस हेयर स्टाइल को बना के जा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ऐसे मिडिल पार्ट आपको अपने हेयर का करना है। करने के बाद आपको जस्ट आपको ऐसे पोनी, जैसे आप पोनी बनाते हो जस्ट आपको ऐसे करना है। नॉर्मली पोनी बनाते हैं, आपको ऐसे ही आपको पोनी बनानी है। देन आपको थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको जस्ट इतना ही करना है जैसे इतना मैंने किया है। करने के बाद जो ये बाकी के हेयर बाकी है उनको आपको रोल करके इधर रबड़ में अंदर टक कर देना है। इसको बोलते हैं मैसी बन। एंड ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आजकल, सबको मैसी बन बहुत ज्यादा पसंद है। एंड आप देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। सो कैसा लगा आपको मेरा मैसी बन? ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया है। एंड आप इसलिए इस बन को आप किसी भी आउटफिट के ऊपर बना सकते हो। आपने वेस्टर्न पहना है, ट्रेडिशनल पहना है, फिर किसी भी ओकेजन में आप इस बन को बना के जा सकते हो। एंड आप कुछ है ना एक्सेसरीज भी ऐड कर सकते हो, कुछ आप फ्लावर्स ऐड कर लो या फिर आर्टिफिशियल, बहुत सारी एक्सेसरीज आती है ऑनलाइन, तो आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ आप ऐसी फ्लिक्स निकाल सकते हो। एंड आप चाहे तो बिल्कुल फ्लैट भी बना सकते हो। एंड थोड़ा सा आप बालों को ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा और आपको मैसी बनाना है तो कुछ आप ऐसे मैसी बना सकते हो। एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब आप जीन्स के ऊपर या फिर शॉर्ट्स के ऊपर या फिर स्कर्ट या फिर आपने सूट पहना हुआ, मतलब आप किसी के ऊपर भी इस मैसी बन को बना सकते हो। सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट हेयर स्टाइल में यहाँ पर हम प्लेट वाली पोनी बनाएंगे, जो कि है ना हमेशा से ट्रेंड में रहा है, सब बनाते हैं डेली वेयर में। सो गाइस, बट यहाँ पर मैं एक ट्रेंड फॉलो करने वाली हूँ। वो लोग पैन से हेयर स्टाइल बनाते हैं कुछ ऐसे करके, ऐसे करके कुछ ऐसे हेयर स्टाइल बनाते हैं। सो देखते हैं ये है काम आता है या फिर नहीं। सो लेट्स ट्राई। गाइज इस हेयर को ट्राई करो, ये सच में बहुत ज्यादा मस्त है। आप बहुत इजीली अपना हेयर स्टाइल बना सकते हो। यहाँ पर आपको नॉर्मल पोनी बनानी है, जो कि आप प्लेट्स बनाते हो। एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी मैसी प्लेट्स आप बना सकते हो। आप चाहे तो टाइट भी बना सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लूज भी बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा सा हेयर स्टाइल लग रहा है, जो कि आप ज़्यादा कर रहे हैं ना सूट के ऊपर आप ये वाला हेयर स्टाइल बना सकते हो, बड़ा ही प्यारा लगता है। नहीं तो आप चाहे तो लहंगे के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। ये वाले हेयर स्टाइल आजकल लहंगे पे भी बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सो आप देखो कितना ज़्यादा सुंदर लुक है। एंड अब
ये पैन वाला हेयर स्टाइल जरूर फॉलो करना। आप चाहे तो पोनी भी बना सकते हो प्लेट्स की जगह, या फिर ओपन हेयर भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट हेयर स्टाइल भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, आप चाहे तो फ्लेक्स भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं फ्लेक्स निकाल लेती हूँ थोड़ी थोड़ी सी, जब भगवान ने दी है तो निकालनी भी चाहिए। देन आप क्या कर सकते हो, आपको जस्ट इतने हाफ बाल लेने हैं। एंड आप कोई भी कलरफुल रबर बैंड ले सकते हो। सो यहाँ पर मैं पिंकी शेड वाली ले रही हूँ। एंड आपको जस्ट इतना ही आपको अपने यहाँ पर इसको रबर बैंड को लगाना है, जिससे यहाँ पर आपका एक बहुत क्यूट सा बन बन जाए। एंड जो बाकी की हेयर है ना, वो नीचे की तरफ आ जाए। यहाँ पे मेरे बेबी हेयर भी निकल चुके हैं, इनको आप सेट कर दो। एंड इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैसी बना दो। एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्यूट, एकदम कैजुअल हेयर स्टाइल है, जो कि आप किसी भी आउटफिट के ऊपर बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। भाई ये थे मेरे बहुत ही ज़्यादा प्यारे से क्यूट से हेयर स्टाइल फॉर बिगनर्स। एंड अगर आप अभी न्यू हो एंड आपको बहुत ही सिंपल सोवर से हेयर स्टाइल बनाने हैं, तो गाइज आप लोग ये वाली ट्राई कर सकते हो। एंड आज है ना, मैंने बिल्कुल रियलिटी से हेयर स्टाइल बनाया है, क्योंकि हमारे बालों के साथ हमें कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं एंड फ्रिजी रहते हैं, इतने सॉफ्ट हेयर किसी के भी नहीं है, वो वीडियोज़ में ही अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको अपने रियलिटी बालों पर हेयर स्टाइल बना के दिखाया है, जो कि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा कर्ली है, बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी है। सो यहाँ पर मैंने आपको अपने रियलिटी वाले हेयर पे हेयर स्टाइल बनाना सिखाया है। सो गाइज भाई मेरे बाल तो कुछ ऐसे ही है, इससे भी ज़्यादा कर्ली है एंड बहुत ही ज़्यादा उठे उठे रहते हैं। तो मैं बहुत ही केयर करती हूँ, बट जब भी ये सेट नहीं होते तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। जो बेबी हेयर है वो सींगों की तरह निकले रहते हैं, जिनका कोई आई थिंक मुझे लगता है सॉल्यूशन नहीं है। बस एक ही है कि हेयर स्प्रे कर दो तो वो सेट हो जाएंगे, बट वो हार्मफुल भी होता है, डेली मैं कर नहीं सकती। सो अगर आपके पास कुछ सॉल्यूशन है इन बेबी हेयर के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड आपके जो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट है, तो ज़रूर मुझे बताना कि आपको मेरे हेयर स्टाइल कैसे लगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट टू भी लेके आऊँ, मतलब थोड़े से डिफरेंट हेयर स्टाइल लेके आऊँ, जो कि बिगनर्स के लिए नहीं, मतलब जो कि हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है आप लोगों को, एंड आप चाहते हो कि कुछ हैवी हैवी से हेयर स्टाइल बताऊँ मैं, तो जैसे वेडिंग हेयर स्टाइल या फिर कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, अभी के लिए बाय।